नमस्कार एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी युगांडा में वैल्यूएशन के हिसाब से टॉप 20 ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है, और आज के इस वीडियो में युगांडा में टॉप 20 प्रोडक्ट्स ग्रोथ रेट के हिसाब से सॉर्ट की हुई प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि ग्रोथ रेट कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिनमें सबसे ज़्यादा पाया गया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। साथ ही साथ इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगती है, वैल्यूएबल लगती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें ताकि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट के हिसाब से शॉर्ट की हुई टॉप 20 प्रोडक्ट्स है उनमें से जो प्रोडक्ट नंबर 20 है वो यहाँ पे मौजूद है, फोटोग्राफिक और सिनेमेटोग्राफिक गुड्स। ये फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में बात हो रही है जिनमें कैमराज है, लेंस है और बाकी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो शामिल होती है। और यहाँ पे 2021 की USD थाउजेंड्स में जो है वो वैल्यूएशन दी गई है और एनुअल ग्रोथ रेट बिटवीन 2017 टू 2021 के बीच में जो ग्रोथ रेट पाया गया है वो परसेंटेज में यहाँ पे दिया गया है पर एनम में। तो अगर यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसके सारी प्रोडक्ट्स का जो लिस्ट है वो सारी प्रोडक्ट्स का लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी ज़्यादा रिसर्च करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट नंबर 19 है एल्यूमिनियम एंड आर्टिकल्स थेरऑफ। एल्यूमिनियम से बने हुए कोई भी पार्ट्स और आर्टिकल्स की बात हो रही है और एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के साथ या मैन्युफैक्चरिंग या सोर्सिंग में अगर आप जुड़े हैं तो डेफिनेटली 21% का ग्रोथ रेट जो है वो यहाँ पे पाया गया है युगांडा में। प्रोडक्ट नंबर 18 है मिनरल फ्यूल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द डिस्टिलेशन बाइट्यूमिनियस सब्सटेंसेस। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे 24% का ग्रोथ रेट जो है वो पाया गया है। प्रोडक्ट नंबर 17 है मिसेलिनियस एडिबल प्रिपरेशंस। एडिबल प्रिपरेशंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में शामिल होती है और बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स रहती है एडिबल प्रोडक्ट्स में। स्पेसिफिकली अगर मैं प्रिपरेशन प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो आपको बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ में ये ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो मिल पाएगी और इंडिया में हमारे पास इसका सोर्सिंग जो है वो बहुत ही सही सोर्सिंग है। बहुत सारे स्टेट्स में जो है वो डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स, एडिबल प्रिपरेशन प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जाती है, तो आपके लिए रिसर्च करना भी ज़्यादा ईजी हो सकता है। 25% के ग्रोथ रेट के साथ ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 17। प्रोडक्ट नंबर 16 है नीटेड और क्रॉच्ड फैब्रिक्स। अगर आप टेक्सटाइल या फैब्रिक इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। 27% के ग्रोथ रेट के साथ ये है प्रोडक्ट नंबर 16। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज प्रोडक्ट नंबर 15, शुगर एंड शुगर कॉन्फेक्शनरी। शुगर और शुगर से बनी हुई दूसरी जो प्रोडक्ट्स रहती है जो कि स्वीटनर के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है और ये भी एक सही प्रोडक्ट है और बहुत ही वैल्यूएशन के टॉप 20 प्रोडक्ट्स के लिस्ट के वीडियो में भी इस प्रोडक्ट का जिक्र हमने किया था। 31% के ग्रोथ रेट के साथ ये है इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 15। प्रोडक्ट नंबर 14 है कॉपर एंड आर्टिकल्स थेरऑफ। और कॉपर से बनी हुई बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो कि इंडिया में बहुत ही अच्छे पैमाने में मैन्युफैक्चरिंग होती है और आपको सोर्सिंग भी सही मिल जाएगी, क्वालिटी क्वांटिटी जो भी आपको चाहिए वो सही तरीके से आप इंडिया में से ढूंढ के कर सकते हैं और बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। 32% के ग्रोथ रेट के साथ ये है इस लिस्ट की हमारी प्रोडक्ट नंबर 14। प्रोडक्ट नंबर 13 की बात करें तो वर्क्स ऑफ आर्ट कलेक्टर्स पीसेज एंड एंटिक्स। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे इंडिया में ऐसी प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो स्पेसिफिकली ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में जाने जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो वेस्टर्न जो स्टेट्स रहते हैं वहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट्स बहुत ही सही पैमाने में आपको मिल सकती है। इसके अलावा राजस्थान जैसे स्टेट्स में भी आपको ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो मिल सकती है। 34% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 13 है। प्रोडक्ट नंबर 12 है सिल्क। सिल्क से बनी हुई सारी प्रोडक्ट्स जो रहती है वो वहाँ पे ज़्यादा डिमांड में है। 35% के ग्रोथ रेट के साथ यह है इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 12। और अगर आप इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग या सोर्सिंग जैसी अगर एफर्ट्स कर सकते हो तो यस, देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल युगांडा में। प्रोडक्ट नंबर 11 है एडिबल वेजिटेबल्स एंड सर्टेन रूट्स एंड ट्यूब्स।
अब रूट्स के साथ जो वेजिटेबल्स रहते हैं, रूट्स वाले जो वेजिटेबल्स रहते हैं, ये ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी जो वेजिटेबल्स है उनकी बात हो रही है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आप डेफिनेटली इसको बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। और इंडिया में ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में ऐसी जो वेजिटेबल्स रहती है वो उसका फार्मिंग होता है, और बहुत ही सही क्वांटिटी, सही क्वालिटी आपको मिल सकती है अगर आप सही तरीके से सोर्सिंग करें और डायरेक्ट फार्मर्स से कोलैबोरेट करके एक सही क्वालिटी क्वांटिटी में अगर आप इनका सोर्सिंग कर सकते हैं। तो यस, ये है इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 11, 36% के ग्रोथ रेट के साथ हमारे इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 11। प्रोडक्ट नंबर 10 की बात करें तो 38% के ग्रोथ रेट के साथ आर्टिकल्स ऑफ अपेरल्स, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, नीटेड और क्रॉच्ड। नीटेड और क्रॉच्ड फैब्रिक की बात हो रही है। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं तो यस, देर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। प्रोडक्ट नंबर 9 है 43% के ग्रोथ रेट के साथ अदर बेस मेटल्स, सेरमेट्स, आर्टिकल्स देर ऑफ। बेस मेटल की बात हो रही है। बेस मेटल में बहुत सारी ऐसी मेटल्स रहती है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पज इसके लिए यूज होते हैं। प्रोडक्ट नंबर 8 है निकल एंड आर्टिकल्स देयर ऑफ। निकल से बनी हुई चीज़ें, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो निकल जो रहता है उसके लिए, उसके साथ बहुत सारे फोम में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोम में बार्स रहते हैं, रोड्स रहते हैं निकल के, ऐसी प्रोडक्ट्स अगर आप सोर्सिंग कर सकते हैं तो यस, 46% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 8 है। प्रोडक्ट नंबर 7 है वेजिटेबल प्लेटिंग मटेरियल्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड और इंक्लूडेड। प्लेटिंग मटेरियल्स रहते हैं, ऐसी प्लेटिंग मटेरियल्स की भी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। 51% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 7 है। प्रोडक्ट नंबर 6 है सॉप ऑर्गेनिक सर्फेस एक्टिव एजेंट्स, वॉशिंग प्रिपरेशन, लुब्रिकेशन प्रिपरेशन एंड आर्टिफिशियल सॉप्स। तो ये है 52% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 6। रो हाइड्स एंड स्किन्स अदर देन फर स्किन्स एंड लेदर, जो स्किन के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज रहती है, ऐसी इंडस्ट्रीज के साथ अगर आप जुड़े हैं या सोर्सिंग कर सकते हैं तो यस, इसकी भी ज़्यादा डिमांड है युगांडा में। और इसका सोर्सिंग हालांकि आपको सही तरीके से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अदर देन फर स्किन एंड लेदर की बात हो रही है तो रो हाइड्स एंड स्किन्स की बात हो रही है। 56% के ग्रोथ रेट के साथ यह है इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 5। अब हम बात कर रहे हैं टॉप 5 प्रोडक्ट्स के बारे में, तो अब ज़रा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। प्रोडक्ट नंबर 4 है अम्ब्रेलाज, सन अम्ब्रेलाज, वॉकिंग स्टिक्स, सीट स्टिक्स, विप्स, राइडिंग क्रॉप्स एंड पार्ट्स देयरऑफ। अम्ब्रेला बनाने के लिए जो भी पार्ट्स यूज़ में लिए जाते हैं, ऐसे पार्ट्स और कंप्लीटेड अम्ब्रेला जो रहती है उसका ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो 97% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 4 है। प्रोडक्ट नंबर 3 है लाइव एनिमल्स। यस, लाइव एनिमल्स का भी वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। अब जो एनिमल रिलेटेड जो है वो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। 106% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 3 है। प्रोडक्ट नंबर 2 है 108% के ग्रोथ रेट के साथ लाइव ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, बल्ब्स, रूट्स एंड द लाइक, कट फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल फॉलिएज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स और प्लांट्स की बात हो रही है, और वो भी लाइव, तो डेफिनेटली ये भी एक सही प्रोडक्ट कह सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई प्लांट्स वगैरह की सोर्सिंग कर सकते हैं तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। 108% के ग्रोथ रेट के साथ ये है इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 2। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रोडक्ट नंबर 1 पे आने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन को क्लिक कर दें। इसके अलावा इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है, वैल्यूएबल लगती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 1 है रेलवे और ट्रामवे लोकोमोटिव्स, रोलिंग स्टॉक्स एंड पार्ट्स देयरऑफ, रेलवे और ट्रामवे ट्रैक फिक्स्चर्स। अब ये एक ऐसी कैटेगरी है जो कि वाकई एक बड़ी प्रोडक्ट कह सकते हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप जुड़े हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े हैं और या तो सोर्सिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली 137% का एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ रेट जो है वो रिसेंटली हमने पाया है, और युगांडा में इसकी डिमांड दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है।
लाइम इंस्टीट्यूट में हम कम्प्लीटली इन डेप्थ मैनर से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कम्प्लीटली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी सही तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, तो डेफिनेटली अभी आपकी स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके सामने वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।